जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करते हैं क्लास टू की इंग्लिश की एक्टिविटी बुक का चैप्टर नंबर, ठीक है। इन सारी नाउस आइट द सिटीज़, शहरों के अंदर और बाहर, ठीक है। अब लिखा हुआ थिंक अबाउट, इस बारे में सोचें। व्हाट कैन वी फाउंड, व्हाट कैन वी डू इन द टाउन, क्या हम कस्बों में क्या कर सकते हैं। द कंट्री साइड, कंट्री साइड क्या होता है, वो कस्बे जो कस्बे और शहरों से दूर जो इलाके होते हैं ना, उनको बोलते हैं कंट्री साइड। इधर गाँव भी हो सकता है, लेकिन कंट्री साइड बस यही है, आप समझें कि जो कस्बों और शहरों से दो दूर इलाके होते हैं उनको कंट्री साइड बोलते हैं, ठीक है। आई कैन टॉक अबाउट प्लेसेस आई लाइक, मैं उन जगहों के बारे में बता सकता हूँ, बात कर सकता हूँ जिन्हें मैं पसंद करता हूँ। आप करेंगे येस सम टाइम, नो नॉट येट। अब उम्मीद है बता सकते होंगे, इसलिए आप येस को सर्कल करेंगे। अब वर्ड पजल क्या है, फाइंड एंड सर्कल द वर्ड्स इन द पजल, पजल में जो अल्फाज दिए हुए हैं उनको आपने तलाश करना है और उनको सर्कल करना है। अब वर्ड्स कौन से, ऑल द वर्ड्स वर्ड्स आर इन द पिक्चर ऑन पेज 136 ऑफ द लर्नर बुक। आपने लर्नर बुक का 136 पेज नंबर खोलना है, उस पर वो पिक्चर्स भी बनी हुई, तस्वीरें भी बनी हुई हैं, और उधर नीचे वर्ड्स भी लिखे हुए हैं, वो अल्फाज आपने इधर ढूंढने हैं, ठीक है। 136 पेज खोल के, ठीक है। द वर्ड गो फ्राम लेफ्ट टू राइट, और वर्ड जो अल्फाज जो दिए बने हुए हैं वो लेफ़्ट से मतलब बाएं से दाएं तरफ जा रहे हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल शेप में इसका मतलब है, वो मैंने आपका 136 लर्नर बुक पेज खोला था, उसमें ये हॉस्पिटल था, ठीक है। ये हॉस्पिटल को आप सर्कल करेंगे, ये म्यूज़ियम को आप सर्कल करेंगे, फिर शॉपिंग सेंटर को आप सर्कल करेंगे, उसके बाद मार्केट को आप सर्कल करेंगे, स्विमिंग पूल ऑलरेडी सर्कल्ड है, ठीक है। लाइब्रेरी को, ये आपका बना हुआ था। फिर आपको चैलेंज क्या दिया, व्हाट इज़ योर फेवरेट प्लेस इन द सिटी, कि आपकी शहरों में आपकी सबसे पसंदीदा जगह कौन सी है शहर में, ठीक है। व्हाई डू यू लाइक इट, आप इसको क्यों पसंद करते हैं, आपने ये भी बताना है, ठीक है। आप लिखेंगे माय फेवरेट प्लेस इन द सिटी इज़ पार्क, अगर आपकी पार्क है तो आप पार्क लिखेंगे, यहाँ अगर आपकी मॉस्क है तो मॉस्क लिखेंगे, अगर आपके आपका जिम सेंटर है तो आप यहाँ जिम सेंटर लिखेंगे। कोई भी जगह आपको जो पसंद है शहरों में आप वो लिख सकते हैं। आप इसको क्यों पसंद करते हैं आपने ये भी बताना है। अगर आप यहाँ लिखेंगे पार्क तो आप लिखेंगे आई लाइक इट, मैं इसको क्यों पसंद करता हूँ, बिकॉज इट बूस्ट माई फिज़िकल एक्टिविटी, इस बूस्ट के ये मेरी जो फिज़िकल पावर है, ठीक है, इसको एनर्जी देता है और, ठीक है, बूस्ट करता है मेरी जो फिज़िकल जिस्मानी सरगर्मियाँ हैं उनको, ये और तमाना करता है, ठीक है। आप अगर इधर मास्क लिखेंगे, इज़ माई फेवरेट मास्क, क्यों, आई लाइक इट बिकॉज आई ऑफर्स प्रेयर देयर, ठीक है, आई रीड कुरान देयर, आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, सेफ्टी बेल्ट, आपको पता है सेफ्टी बेल्ट क्या होता है, जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो वो जो बेल्ट लगी होती हैं आपने वो पहननी होती हैं अपनी सेफ्टी के लिए, ये फास्टी बेल्ट इनको बोलते हैं। इसी तरह एरोप्लेन पर बैठते हैं तो उधर भी जब एयर होस्टेस अनाउंस करती है कि आपने सेफ्टी बेल्ट्स को बांध लें, तो उस वक्त भी जो बेल्ट्स पहनी जाती हैं उनको सेफ्टी बेल्ट कहते हैं, और ये आपकी अपनी हिफाजत के लिए होती है, ठीक है। अब क्या, लुक लाइक द पिक्चर इन द लर्नर बुक पेज नंबर 118, अब ये 118 पेज नहीं है आपका, ये 137 पेज है, ठीक है, आपने ये चेंजेस आ गई हैं। कह रहे हैं कि वो तस्वीरों को देखें जो लर्नर बुक पे है 137 पेज पे, उनको आप देखें तो उसके अकॉर्डिंग आपने इसके आंसर करना है। इज़ द पायलट वियरिंग अ सेफ्टी बेल्ट, क्या पायलट ने सेफ्टी बेल्ट पहन रखी है, हाँ जी मैंने वो देखा है उसने पहनी हुई है। फिर क्या, आर मलिक एंड इज डैड वेयरिंग सेफ्टी बेल्ट, क्या मलिक और उसके बाप ने सेफ्टी बेल्ट पहन रखी है, यस पहन रहे हैं या पहन रखी है वैसे। डू यू वेयर सेफ्टी बेल्ट व्हेन यू ट्रेवल बाय कार, अगर आप सेफ्टी बेल्ट कार में ट्रेवल करते हैं तो आप सेफ्टी बेल्ट पहनते हैं या नहीं, अगर पहनते हैं तो यस, नहीं पहनते तो नो। सो डू आई, जी मैं भी करता हूँ, ताकि हाँ मैं भी करता हूँ। डू यू लाइक द सेम थिंग एज मलिक, जैसे काम ये मलिक करता है जैसे काम वैसे वैसा आप ही करते हैं, अगर आप भी वैसा काम करते हैं तो आप लिखेंगे राइट सो डू आई, अगर इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर आप ऐसे काम नहीं करते जो मलिक करते तो आप लिखेंगे आई डोंट, जैसे वो करता है मलिक करता है आई लाइक सिंगिंग, अगर आप सिंगिंग करते हैं आप लिखेंगे यस सो डू आई, नहीं करते तो आप लिखेंगे आई डोंट, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं करती। आई लाइक आइसक्रीम, वो उसको आइसक्रीम खाना पसंद है, पसंद करते आप लिखेंगे सो, अगर आपको पसंद है आप लिखेंगे सो डू आई, ठीक है। और ये क्या, आई लाइक वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देखना पसंद करता हूँ, मैं लिख कह रहा है, तो आप भी अगर पसंद करते आप लिखेंगे सो डू आई, अगर नहीं पसंद करते तो लिखेंगे आई डोंट। अब मैं इसके वेयर आर मलिक एंड हिज फ्रेंड्स गोइंग, मलिक और उसके दोस्त किधर जा रहे हैं, फॉलो द लाइन्स टू फाइंड आउट, इन लाइन्स को फॉलो करें और बताएं कि वह कहाँ जा रहे हैं, उनको बताएं वो किधर जा रहे हैं, राइट वेयर ईच पर्सन इज गोइंग,
और ये भी लिखें कि हर बंदा किधर जा रहा है। अब मलिक है, अब मलिक की हमने जब ये वो ढूंढा तो वो स्विमिंग पूल जा रहा था, अपने यहाँ स्विमिंग पूल लिख देना है। जैक जो था वो किधर जा रहा था, जैक लाइब्रेरी जा रहा था, अपनी लाइब्रेरी को वो कर देना है, ठीक है। फिर ये अनिल नहीं है, ये फहद है, इसको अपने फहद लिखना है, ठीक है, ये अनिल लिखा हुआ है। अब फहद को आपने जब मैंने देखा तो फहद पार्क जा रहा है, ठीक है। आपने इन इनके ऊपर ये देखें, इनको फॉलो करना है लाइंस को। ईवा शॉप पे जा रही थी, ठीक है। फिर कैफे इन डिफरेंट प्लेसेस, कैफेज इन डिफरेंट प्लेसेस, मुख्तलिफ जगहों पे जो कैफ़े होते हैं। कैफ़े क्या होता है, जहाँ आप जाते हैं कुछ खाते पीते हैं, रेस्टोरेंट, स्मॉल रेस्टोरेंट टाइप होता है। आप वहाँ कुछ चीज़ ऑर्डर करते हैं, वो मेनू बना होता है, आप मेनू कार्ड को देखते हैं, फिर आप कहते हैं मैंने ये खाना है, ठीक है। आप जो चीज़ वहाँ ऑर्डर करके, फिर वो आपको एक उधर जो वेटर्स होते हैं वो आपको ला के देते हैं, फिर आप वो खाते हैं, ठीक है। वो जगह जो होती है ना उनको कैफ़े बोलते हैं, ठीक है। वहाँ डिफरेंट ड्रिंक्स भी मिलती हैं और खाने की चीज़ें भी होती हैं, ईटेबल थिंग्स भी होती हैं और ड्रिंक्स वगैरह भी होती हैं, ठीक है। अब मैं आपको समझाती हूँ ये क्या लिखा हुआ है। आई कैन से, मैं बता सकता हूँ, वट वुड आई लाइक टू ईट एंड ड्रिंक, मैं क्या खाना और पीना पसंद करता हूँ, ठीक है। आप जो चीज़ खाते पीते हैं वो बता सकते हैं ना, आप इसलिए यस लिखेंगे। अब रीड एंड ड्रा, रीड भी करें, पढ़ें भी, और आपने ड्रा भी करना है, बनानी भी है। फॉलो द इंस्ट्रक्शन टू फिनिश योर कैफ़े, आपने अपने कैफ़े की को फिनिशिंग देने के लिए, जो कैफ़े है उसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अभी आपका कैफ़े अधूरा है, आपने इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करना है, आपने फॉलो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, उसके अकॉर्डिंग आपने ड्रा भी करना है। अब लिखा ड्रा वन मोर राउंड टेबल, आपने यहाँ एक ऐसा ही राउंड टेबल यहाँ बना देना है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि ड्रा थ्री चेयर्स एट द टेबल, आपने यहाँ तीन चेयर्स बना देनी है, ठीक है। आपने इसी को देख के थ्री चेयर्स बनानी है, वन, ठीक है, मुझे चेयर्स बनानी नहीं आती सही, टू, ठीक है, आपने थ्री चेयर्स बना देनी है, चेयर्स बनाई है मैंने। फिर उस पर लिखा हुआ है कि ड्रा मॉम एंड डैडी, डैड एंड अ बेबी एट वन टेबल, एक टेबल पे आपने मॉम बना देनी है, इधर मम्मा बना देनी है, मॉम बना देनी है, ठीक है। यहाँ आपने मम्मा बना देनी है, यहाँ डैड बना देना है, यहाँ बेबी बना देना है, या ये वैसे नज़र से नहीं, और आप इस वाले में बना देना है ये, एक किसी एक टेबल पे, और एक में मॉम बनानी है, मम्मा बनानी है, और एक में गर्ल बना देनी है, ठीक है। यहाँ आपने मॉम बनाएंगे, यहाँ गर्ल बनाएंगे। फिर टू टू प्लेट्स बनानी है और टू कप्स बनाने हैं, ठीक है, हर एक पे। ड्रा टू प्लेट्स ऑन ईच टेबल एंड ड्रा टू कप्स ईच टेबल, दोनों टेबल्स पे आपने दो प्लेट्स बनानी है, दो कप बनाने हैं, दो प्लेट्स हैं, दो कप्स, ठीक है। राइट द नेम ऑफ योर कैफ़े, आप अपने कैफ़े का नाम बता सकते हैं, कोई कैफ़े का नाम भी हो, जो भी आपको पसंद है। जैसे मैं कहूँ कि एमस कैफ़े रखना चाह रही हूँ मैं, तो उसका नाम मैं रखूँगी एमस कैफ़े, ठीक है। आप उसका स्वीट कैफ़े नाम रख सकते हैं, स्वीट एंड सोर कैफ़े रख सकते हैं, जो आपको पसंद है आप वही रखेंगे। कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि जो मैंने लिखे आप वही लिखेंगे, अपने नाम पे रख सकते हैं, अपने फादर के नाम पे रख सकते हैं, ठीक है, कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, आप जब जाते हैं तो मेनू बना होता है, आपने उस मेनू को फॉलो करना है, उसको लिखना है, मेक अ मेनू फॉर योर कैफ़े, अपने कैफ़े के लिए अपने मेनू बनाना है। व्हाट फूड एंड ड्रिंक विल यू हैव, क्या आपके पास क्या है खाने और पीने की जो चीज़ें हैं, वो मेन्यू होता है, ठीक है। जो आप एक कार्ड देखते हैं जिसपे से आप सिलेक्शन करते हैं कि मैंने ये चीज़ खानी है, फिर वो आप ऑर्डर करते हैं, इसी तरह वो मेन्यू होता है, ठीक है। अब आप यहाँ वो लिखेंगे और वो कह रहे हैं वो आपकी, ये आपकी जो पिक्चर डिक्शनरी है ना आपकी लर्नर बुक पे 155 पेज, उस पर भी आप हेल्प ले सकते हैं। अब आप फूड है तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप फूड में आपके मेन आपके कैफ़े में पिज़्ज़ा हो, पिज़्ज़ा है, ठीक है, चिप्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हैं जी बर्गर है आपके कैफ़े में, ठीक है, और फिर उसके बाद सैंडविच हैं, ठीक है, आप ये पांच चीज़ें लिख लें। और ड्रिंक्स आप में आपकी ड्रिंक्स हो सकती हैं जी, आप लिख सकते हैं मिल्क शेक, ठीक है, आप इधर मेनू बना सकते हैं। फिर आप स्मूदी लिख सकते हैं, कोई भी स्मूदी है, ठीक है, हॉट चॉकलेट, हॉट चॉकलेट ड्रिंक लिख सकते हैं, ठीक है, फिजी ड्रिंक कोई भी हो, आपका मेनू ये है, ठीक है, इसमें तो कोई चीज़ भी आप लिख सकते हैं। अब लिखा है व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, आप क्या चीज़ खाना पसंद करते हैं, व्हाट राइट व्हाट यू से टू द वेटर, आप लिखें आप वेटर को क्या कहेंगे,
चूज समथिंग फ्रॉम योर मेन्यू, और अपने मेन्यू से सिलेक्ट करके लिखना है। वुड यू लाइक समथिंग टू ईट, कैन आई ईट, आप लिख सकते हैं कैन आई ईट पिज़्ज़ा विद स्मूदी, ठीक है। आप ये लिख सकते हैं कैन आई ईट बर्गर विद मिल्कशेक, ठीक है। या वेटर को कहते हैं अब अपोजिट एंड सिलेबल्स। अपोजिट क्या होता है कि मुतजाद, मुतजाद का मतलब होता है उलट, जैसे ओल्ड है तो न्यू, ठीक है, नया पुराना, अच्छा बुरा, हर चीज़ का जो अपोजिट होगा वो उसको क्या कहते हैं, मुतजाद होगा उसको अपोजिट कहते हैं। आई कैन काउंट सिलेबल्स, सिलेबल्स क्या होता है कि सिलेबल्स जैसे ना आप अगर एक फ्लो में एक वर्ड बोलते हैं ना, तो ये सिलेबल्स के आप नंबर्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जिस तरह हम बोलते हैं एंड, एंड का एंड में वन सिलेबल है क्योंकि आपने इसमें एक फ्लो में आपने एंड बोला है। आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मार्किट है, अब मार्किट में थोड़ा सा आपने अपने जो वर्ड्स हैं उनको थोड़ा सा आपने ब्रेक किया है, देखिए मार कीट, इसके टू सिलेबल्स होंगे, ये सिलेबल्स ये होते हैं, ठीक है। मैं आपको आगे समझाऊंगी। अब क्या मैच द अपोजिट, आपका डाउन हो गया, राइट का क्या हो जाएगा, राइट रॉन्ग ठीक गलत, लॉस्ट गुम हो गया, और फाउंड पा लिया। स्ट्रॉन्ग का क्या होगा, मजबूत और कमज़ोर वीक, लो का क्या होगा, लो हाई, हॉट गर्म कोल्ड। अब लिखो चेंज द पिक्चर, अब इस पिक्चर को आपने चेंज करना है, ठीक है, अब इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है और पिक्चर को चेंज कर देना है। एना हियर शॉर्ट, ठीक है, एना के मेक हर लॉन्ग, मेक इट लॉन्ग, आपने इसके बालों को बड़ा कर देना है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है एना इज फ्रॉनिंग, फ्रॉनिंग क्या होता है, वो गुस्से में जो आपने अपने माथे में बल डाले होते हैं उसको फ्रॉनिंग बोलते हैं, ठीक है। और उसके आपने मेक हर स्माइल, जो आपने यूं आपकी भवें ऊपर की होती हैं गुस्से में जो आप होते हैं ना, जो आपने शक्ल बनाई होती है उसे फ्रॉनिंग बोलते हैं। और अब इसको आपने क्या करना है, इसको इसकी स्माइल में चेंज करना है, आपने इसकी भवों को ठीक कर देना है, यू सीधा और इसके मुंह पर स्माइल ले आने, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि इट इज़ अ डे, बाय डे है तो आपने नाइट कर देना, आपने इधर ब्लैक कलर कर देना, ये नाइट हो जाएगी, इधर इधर मून बना देना है, स्टार्स बना देने छोटे छोटे। अब इसके इनाज बूट्स आर क्लीन, इसके बूट्स क्लीन है, आपने इसको डर्टी कर देना है, इनको डर्टी कर देना है, ठीक है, अपोजिट कर देना है, शॉर्ट लॉन्ग फ्रॉनिंग स्माइल डे नाइट क्लीन डर्टी, ठीक। हाउ मेनी सिलेबल्स, अब बताएं सिलेबल्स कितने कितने। अब मार्केट के दो सिलेबल्स हैं, मैंने आपको क्या बताया मार्केट सिलेबल्स होता क्या है कि आप एक फ्लो में वो वर्ड जब बोलेंगे तो वो मतलब ये होता ही है कि आपने एक फ्लो में एक वर्ड बोलते हैं तो सिलेबल्स अकाउंटिंग होती है कि आप कितने वर्ड्स वो ब्रेक करके आप बोल रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मार्किट है, इसके सिलेबल्स कितने होंगे, मार कीट दो होंगे, हॉस्पिटल के कितने होंगे, हॉस पी, ठीक है, हॉस हॉस्पिटल, इसके थ्री सिलेबल्स होंगे, ठीक है। फिर होगा डेजर्ट, डज डीज डेजर्ट, इसके टू सिलेबल्स होंगे, शॉप इन सेंटर, इसके फोर सिलेबल्स होंगे, हेल आई ई कैप कॉप्ट ई आर डर, इसके फोर सिलेबल्स होंगे, री रिवर रिव आर आई वी रिव ई आर आर, इसके टू सिलेबल्स होंगे, फॉर्म इसको आपने कहीं ब्रेक नहीं किया ना, इसके वन सिलेबल होगा, स्विम इंग पूल, इसके थ्री सिलेबल्स हैं, स्विम इंग पूल, कैफे कैफे के टू सिलेबल्स हैं, जहाँ ये जो वर्ड्स हैं ब्रेक होते हो ना उधर वो सिलेबल ज़्यादा हो जाते हैं, जहाँ आप एक फ्लो में बोलते हैं उधर वहाँ वन सिलेबल, जैसे एंड इसका वन एक ये सिलेबल वन है, इसमें सिलेबल्स कितने हैं, वन। अब लिखा हुआ ये हमें चैलेंज दिया हुआ है, राइट अ हाइकू अबाउट वन ऑफ दीज प्लेसेस, अब ये प्लेस है, ठीक है। हाइकू क्या होता है, हाइकू जैपनीज जब पोइम लिखते थे ना पुराने ज़माने में तो वो उनके लिए टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है हाइकू, ठीक है, उनका उसमें हाइकू में ये होता है कि आप जो पैराफ्रेज बनाते हैं ना वर्स बनाते हैं उसकी एक लाइन में पांच सिलेबल्स होते हैं, एक लाइन में
सेवन सिलेबस होते हैं, थर्ड लाइन में फिर फाइव सिलेबस होते हैं। सिलेबस मैंने आपको बताया है ना कि वो वर्ड्स जिनको आप जो अगर आप एक फ्लो में पढ़ते हैं तो वो एक सिलेबल होता है, वो क्लैपिंग सिस्टम। आपने ये वन क्लास में पढ़ा होगा सिलेबस के बारे में, ये मैम आपको सही करवाएंगी, ठीक है, जब आप पढ़ेंगे। आपने मुख्तलिफ जगह भी चूज़ कर सकते हैं, इन प्लेस इन द सिटी और आउटसाइड द सिटी, ठीक है। अब ये क्या है, मैं इसके अकॉर्डिंग ही करती हूँ। ये है जी वाटर पार्क। काउंट सिलेबस इन ईच लाइन एज यू राइट, ठीक है। आपने सिलेबस काउंट करने और हर लाइन में ये लिखना है, ठीक है। अब लिखे आप, देखिए मैं आपको बताती हूँ, आप इधर लिख सकते हैं। आप देखिए, अब टेक, आपको मैं पहले पॉइंट लिखती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। टेक बेस्ट वाटर स्लाइड, बेस्ट वाटर स्लाइड, ठीक है। इसके फाइव सिलेबल्स इधर आगे फिर आ जाएगा कि इंजॉय विद ग्रेट झील एंड जस्ट, ठीक है। इंजॉय विद ग्रेट झील एंड जस्ट, ठीक है। और लव टू स्लाइड अगेन, ये मैंने सिलेबल बनाया है। अब इसमें फाइव सिलेबल्स आ रहे हैं। टेक का टेक सिलेबल्स टेक 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 का वन सिलेबल है। बस्ट बस्ट कितने सिलेबल्स आ रहे हैं, बस्ट में भी वन आ रहा है। टू वाटर स्लाइड में थ्री है, वाट वाट आर, ये टू सिलेबल्स हैं। स्लाइड में वन टू, वन थ्री और वन फोर एंड वन फाइव। इसी तरह इंजॉय जो है तो इसमें टू सिलेबल्स आ रहे हैं, विद में वन सिलेबल, ग्रेट में भी वन, झील का भी वन और एंड का भी वन, जस्ट का भी वन, ये सेवन हो गए। इसी तरह लव का वन, टू का भी वन, स्लाइड का वन, अगेन के टू, टू वन थ्री वन फोर एंड वन फाइव, ठीक है। ये इस तरह बनाते हैं। अच्छा, चूजिंग एंड कंपेयरिंग, आपने चुनना भी है और इनको आपस में कंपैरिजन भी इनका करना है, ठीक है। विच होटल इज़ बिगर, इन दोनों में कौन सा होटल बिगर है, दिस वन। आप लिखेंगे होटल ब्लैक क्लाउड, ये बिगर है। अच्छा, विच होटल इज मोर फन, इसमें मोर फन लग रहा है क्योंकि इधर तो स्नेक है, ठीक है। होटल ब्लू स्काई, विच होटल इज मोर स्केयरी, कौन सा स्केयरी है, होटल ब्लैक क्लाउड, ठीक है। अच्छा, विच होटल इज मोर ब्यूटीफुल, कौन सा होटल ज़्यादा ब्यूटीफुल है, होटल ब्लू स्काई। अच्छा, विच होटल इज़ नाइसर, कौन सा होटल ज़्यादा आपको प्यारा लग रहा है, ये वाला, क्योंकि स्नेक वाला तो आपको कभी भी प्यारा नहीं लगेगा, होटल ब्लू स्काई। अच्छा, विच होटल वुड यू लाइक टू गो फॉर योर हॉलीडे, आप कौन से होटल में हॉलीडे छुट्टियाँ गुजारना चाहेंगे इसमें, ठीक है, होटल ब्लू स्काई, ठीक है। अब ये जो है ना लैंग्वेज टाइप कंपेयरिंग थिंग्स, जब कंपेयरिंग थिंग्स करते हैं या तो उसका मोर लगता है या ईयर वर्ड लगते हैं, ठीक है। अब स्लो का स्लोअर होता है, ब्यूटीफुल का होता है मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। अब बटरफ्लाई मोर ब्यूटीफुल देन एन एंट, फिर टॉलर टॉल है तो इसका टॉलर होगा, मोर टॉल टॉल नहीं हो सकता। अ स्काई स्क्रैपर इज टॉलर देन अ हाउस। अच्छा, अब स्मॉल कैसे लगेगा, द मून इज स्मॉलर देन द अर्थ। अभी लिखा राइट रा पिक्चर ऑफ अ प्लेस में वुड यू लाइक टू गो ऑन हॉलीडे, आप उस पिक्चर की वहाँ पिक्चर भी ड्रा करें, ठीक है, और उस जगह की पिक्चर भी बनाएं और आप जहाँ जाना छुट्टियाँ गुजारना पसंद करते हैं। आप ये लिख सकते हैं वेयर वुड यू लाइक टू गो, आप कोई भी प्लेस लिख सकते हैं। अब मैं लिख सकती हूँ, अब लग से मैं लिख सकती हूँ मालम चप्पा, वट वुड यू लाइक वुड यू डू देयर, मैं वहाँ देख सुनो होगी तो मैं वहाँ, आई वॉन्ट टू मेक स्नो मैन एंड स्काइज, मैं स्काइज भी करना चाहूँगी उधर। वो वुड यू लाइक टू गो विद, आप किसके साथ जाने देते हैं, माई फैमिली। अब अपने मालम जब्बा का कैसे बनाना है, इधर होटल बना देना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने बनाया है, इधर बर्फ़ बना देना, इधर इधर स्नो में बना देना, ठीक है, ये इस तरह करना। फिर उसके बाद क्या है, रीड, ठीक है। अब आपने इसको क्या करना, राइट द वर्ड्स, ऊपर से आपने वही पढ़ लेना है, ठीक है।
अब ये आपने जंबल सेंटर आपने इनको, ये शॉप है ठीक है, ये क्या है कैफ़े, दिस इज़ नट्स, दिस इज़ बिल्डिंग्स, बिल्डिंग BULDING, दिस इज़ ईगल EAGL ईगल, दिस इज़ बीज एंड दिस इज़ टैक्सी। ओके अब दिखा हुआ कि चैलेंज द स्टोरी इज अ फेबल, अ फेबल इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ अ स्टोरी वेयर वी लर्न समथिंग। ये बता रहे कि फेबल होता क्या है, फेबल होता है एक स्पेशल किस्म होती है स्टोरी की, कहानी की, जहाँ आप सीखते हैं कुछ नई नई चीज़ सीखते हैं ठीक है। अब आपने उस चीज़ को आपने स्टोरी पढ़ी है तो आपने बताना है कि इसका बेस्ट आंसर दें। द कंट्री साइड इज क्वाइटर देन द सिटी, यस, जो जो इलाके कस्बों शहरों से दूर होते हैं वो क्वाइट होते हैं, खामोश, मतलब उसमें खामोशी ज़्यादा होती है। वी लाइक द प्लेसेज दैट वी नो बेस्ट, हम उन्हीं जगहों को पसंद करते हैं जिनको हम सही जानते हैं, ये भी ठीक है। द सिटी इज़ मोस्ट केयरी देन द कंट्री साइड, नो ये बात तो गलत है ठीक है। अब ये क्या है नादिया और नादिया, ये आपकी लंदन बुक में है ठीक है, आपने उस हिसाब से ये जवाब देने। अ क्रैश स्केयर्ड हर, अब वो उस किसने नादिया नादिया को या नाजी जो एक्सीडेंट जो उसने देखा था ना उसको डरा दिया था, वो नादिया ने देखा था ठीक है। एन ईगल स्केयर्ड हर, और जो ईगल था उकाब ने किसको डराया था जिससे वो डर गई थी, कौन थी वो, नाजिया, ये नादिया और ये नाजिया है। शी लाइक द सिटी बट बेटर देन द कंट्री, कंट्री साइड तक, ये कंट्री मुल्क नहीं है ये कंट्री साइड है ठीक है। शी लाइक द सिटी बेटर देन द कंट्री साइड, ये नाजिया थी जिसने उसको लगता था कि सिटी ज़्यादा अच्छा है कंट्री साइड से, और नादिया को कंट्री साइड ज़्यादा अच्छा लगता है सिटी से ठीक है। ये आपकी बुक लर्नर बुक में आप जब पढ़ेंगे ये चैप्टर तो उसमें ये सारा कुछ दिया हुआ है ठीक है। अब मिस्ट्री पिक्चर, वट एनिमल इज़ दिस, आप इसको जब जोड़ेंगे ना कि वट एनिमल इज़ दिस, ये ईगल है, और ये वेयर डज इट लिव इन द सिटी और कंट्री साइड, ये कंट्री साइड में होता है ठीक है ना, ये शहरों में नहीं होता। अब चैलेंज क्या है कि वुड यू लाइक टू बी द सिटी कज़न और द कंट्री कज़न, वाई। अब वो कह रहे हैं कि आप अपने कज़न के साथ आप अपने कौन सा कज़न बनना चाहेंगे, आप सिटी शहर वाला कज़न बनना चाहेंगे या कंट्री साइड वाला, तो आप क्यों बनना चाहेंगे, क्योंकि आप अगर लिखते हैं ना सिटी कज़न तो आप उसमें ये भी लिख सकते हैं कि आई वुड लाइक टू बी द सिटी कज़न बिकॉज बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ प्लेसेस विच एवरीवन कैन विजिट एंड एंजॉय ठीक है। आप इसका ये जवाब लिख सकते हैं। फिर ये जो है ना ये क्विज़ है ये मैम आपको सुनाएंगी, लिसन आप सुनेंगे फिर उसके अकॉर्डिंग आपने टिक क्रॉस लगा ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी सिलेबल्स आर देयर इन स्काई स्क्रैपर, स्काई स्क्रैपर में कितने सिलेबल, स्काई स्क्रैपर स्क्रैप अर ई आर एर, इसके थ्री सिलेबल्स हैं, इसमें मार कीट इसके टू सिलेबल्स हैं। अच्छा सर्कल द अपोजिट ऑफ द वर्ड सीट, सीट का अपोजिट क्या होगा, स्टैंड ठीक है। वेयर इज द दिस गर्ल, गर्ल कहाँ है, दिस गर्ल इज़ इन द कैफे लिखोगे, दिस गर्ल इज़ इन द शी इज़ इन द यू लिखो, शी इज़ इन कैफे, और क्या वट इज़ शी डूइंग, शी इज़ ड्रिंकिंग जूस। वॉट आर दीज गर्ल, वेयर आर दीज गर्ल, दीज गर्ल्स आर इन पार्क ठीक है, ये पार्क में, दीज गर्ल्स आर इन पार्क TH ES E, दीज वॉट आर दे डूइंग, दे आर ईटिंग ठीक है, वो क्या कर रही हैं देख के बताएं, ईटिंग कुकीज़ ठीक है, कुकीज़ एंड फ्रूट्स एंड ड्रिंक, ईटिंग कुकीज़ एंड फ्रूट्स एंड ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग क्या कर रही हैं जूस ठीक है। ये आपका सारा चैप्टर हो गया आज।